राठले पावर प्रोजेक्ट में मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को जो है वो एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो किश्तवाड़ जिला में मिली, और वो कामयाबी है डाइवर्शन टनल को लेकर। डाइवर्शन टनल जो इस 850 मेगावाट राठले पावर प्रोजेक्ट की जो है उसको अब ऑपरेशनल किया गया है, और इसी से जो है वो अब यहाँ पर डैम बनने की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी, क्योंकि जो डाइवर्शन टनल होती है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है डैम कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें दरिया का रुख जो है वो मोड़ना पड़ता है और उसको डाइवर्ट करना पड़ता है। इसके बाद अब जो है वो यहाँ पर जो काम जो है वो एक्सेलरेट हो जाएगा और राठले पावर प्रोजेक्ट का जो डैम है वो बनना शुरू हो जाएगा, और तकरीबन 2026 तक जो है वो इस पावर प्रोजेक्ट को जो है वो कंप्लीट करना है, जिसकी जो पावर प्रोजेक्ट 5200 करोड़ से भी ज़्यादा लागत से जो है वो बन रहा है, और इसमें 850 मेगावाट जो है वो पावर प्रोडक्शन होगी, और इसके के जो चार टर्मिनल्स जो है वो एक 205 मेगावाट का एक टर्मिनल होगा, जबकि 30 मेगावाट के जो है का इसके अलावा एक एडिशनल जो है वो टर्मिनल होगा, और कुल मिलाकर इस पावर प्रोजेक्ट से जो है वो 850 मेगावाट जो है वो बिजली बनेगी। ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो मनमोहन सिंह ने जब वो प्रधानमंत्री थे तब इनॉग्रेट किया था, तब से लेकर अब तक इसको 3 बार इनॉग्रेट किया गया था, और जो पिछले इलेक्शन होने थे उस वक्त जो है वो प्रधानमंत्री ने जो है इसको फिर से री इनॉग्रेट किया था, इस उम्मीद से कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो प्रोडक्शन करना जो है वो शुरू कर दे। लेकिन काफ़ी चीज़ें जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, कंपनसेशन इन्वॉल्व हो रहा था, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों जो पिछले साल है वहाँ यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसको काम भी बंद करना पड़ा, क्योंकि इल्ज़ाम था कि काफ़ी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। मैं बता दूं कि इसमें काफ़ी लोग जो है यहाँ पर जो नौजवान हैं बाकी लोग हैं उनको लेकर भी जो है वो काफ़ी जो है वो जॉब को स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यहाँ के जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको जो है वो अपना हक पूरा नहीं मिला है, उसके लिए भी जो है वो आवाज़ उठती जा रही है। पिछले दिनों आपने देखा था ईपीएफ कमिश्नर जब आए थे यहाँ पर 1000-1500 से भी ज़्यादा जो मजदूर हैं वो काम करते हैं, लेकिन ईपीएफ जो है वो कुछ का ही जो है वो कटता है। 5500-6000 मुलाजिम जो है यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट रूम में काम करते हैं, जिनका जो है वो ईपीएफ जो है वो नहीं काटता था, और वो जो है वो अब उनको डायरेक्शंस दी गई है ईपीएफ कमिश्नर की तरफ से कि वो जो है वो उनका जो है वो ईपीएफ जो है वो काटे। अब देखते हैं यहाँ पर जो ये डाइवर्शन टनल ठीक मेरे पीछे जो है वो आप देख सकते हैं दरियाई चिनाब, मैं इसको चिनाब कम कहूँगा, और अब ये एक जो है वाटर सप्लाई स्कीम की तरह जो है वो है फंक्शनल है, क्योंकि इसको जगह जगह पर जो है वो ये ब्लॉक हो चुका है। नेशनल हाईवे की तरफ से पूरा मलबा इसमें डाला जा रहा है, प्रोजेक्ट की तरफ से पूरा मलबा डाला जा रहा है, आप छात्रों से लेकर सिंथल से लेकर पाडर साइड से लेकर आप आगे जो है वो हस्ती से लेकर यहाँ द्रापशाला से थाटरी तक आप देखिए पूरा चिनाब जो है उसके में की जद में है, और जो पूरा जो मक है वो सारा जो भी है वो जो है वो चिनाब में डाला जा रहा है। हालांकि करोड़ों रुपए की मालियत का जो है वो डंपिंग यार्ड्स के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, और इस पावर प्रोजेक्ट के लिए भी तकरीबन 300-350 करोड़ का जो है वो सिर्फ डंपिंग के लिए जो है वो खर्चा जो है वो रखा गया है, लेकिन वो सारा जो है वो ताक पर रखकर जो है वो पूरा एनवायरनमेंट जो है वो यहाँ पर डिजास्टर हो रहा है। हम चाहेंगे कि आगे चलकर ये कंपनीज जो है वो एनवायरनमेंट का खास ख्याल रखें, और जो ये डाइवर्शन टनल है ये एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर पर जिला किश्तवाड़ में जो पावर प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं उनमें का काम जो है वो जल्द जल्द ख़त्म हो जाए, और यहाँ के लोगों को परमानेंट एम्प्लॉयमेंट मिले, और आरआर प्लान में जो करोड़ों रुपये रखा हुआ है उसको जो है यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाने के लिए जो है वो खर्च किया जाए, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक स्पेशल कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल रिव्यू जो है वो किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट्स को ले ताकि जो एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और एनवायरमेंटल वायलेशन यहाँ पर हो रही है उनको एक तो रोका जाए और उसको जो है वो दूसरा दुरुस्त किया जाए। अब हम देखते हैं कि जो आगे चलकर जो है वो डैम का काम जो है वो कब पीक पर जो है वो जाता है। अभी जो है वो हम राठले पावर प्रोजेक्ट में जो है वो यहाँ पर आए हैं, और मैं भी जो है वो पहली बार इस एरिया में आया हूँ, और अक्सर लोग हमें जो है वो शिकायतें करते हैं कि आप प्रोजेक्टों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि लोग जो है वो सामने आएँ और वो बोले और वो बात करें, ना कि आप चंद मफाद परस्त लोग जो यहाँ पर इस पावर प्रोजेक्ट में या तो ठेकेदारी कर रहे हैं या काम कर रहे हैं और खामोश हैं और बोल नहीं रहे। लेकिन मैं ये बता दूं कि आगे चलकर अगर वो खामोश रहे तो उनकी जो नस्लें आगे चलकर है वो जो है इस चीज़ को भुगतेंगी। अभी हम चाहते हैं कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो बने, इसका जो है 132 मीटर के करीब के हाइट का जो है वो डैम बनेगा, पहले वो थोड़ा सा
ज़्यादा था, क्योंकि बाद में पाकिस्तान ने जो है वो उसको इंडस वाटर ट्रीटी में जो है वो अपील की थी, उसके बाद इसका थोड़ा सा जो है वो डैम का साइज़ जो है वो कम करना पड़ा था। अब देखते हैं कि जो यहाँ पर एनवायरनमेंट, जो क्योंकि दिन ब दिन जो है वो हमें खबरें मिलती है कि एक काम करने का एनवायरनमेंट नहीं है, क्योंकि जो यहाँ की कंपनी की और प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट है वो लोगों के हितों को जो है वो ध्यान नहीं रख रही हैं और लोगों की आवाज़ को जो है वो दबाया जा रहा है। मेरी भी कंपनी के मैनेजमेंट से और गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से रिक्वेस्ट है कि वो इसकी तरफ देखें, लोगों की आवाज़ ना दबाएं और जो लोग इससे सफ़र कर रहे हैं उनका जेन्युइन जो हक है उनको वो दे। आरआर प्लान जो है वो अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए ताकि किश्तवाड़ जो है वो तरक्की के दौर पर जो है वो चले, ना कि इन पावर प्रोजेक्ट की वजह से जिनकी पावर जो है वो अब बाहर के स्टेट्स को बेची जा रही है। ना हमें पावर मिले, ना हमें यहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, ना ही यहाँ के जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो एडजस्ट हो जाए। अगर यहाँ के अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको 15,000 तनख्वाह मिलेगी, जो बाहर के हैं उनको 80,000 तनख्वाह मिलेगी, ना वो हमें मिलेगा तो, और साथ में जो है वो हम एनवायरनमेंट के डिज़ास्टर पे होंगे। ये चीज़ें जो है वो किसी को मंजूर नहीं होगी। हम उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ को इस पे एनवायरनमेंट को देखने वाले लोग और इन पावर प्रोजेक्टों को कंट्रोल करने वाली जो मैनेजमेंट हैं वो देखेंगे ताकि ये काम जो है वो अमन से हो जाए, पीसफुली हो जाए और वक्त पर जो है ये पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।